नेस कंपनी की तरफ से महिलाओं को बार बार परेशान किया जा रहा है। इससे छुटकारा दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने आज सांगली जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिन का धरना आंदोलन किया। इस दौरान महिलाओं ने जिलाधिकारी से न्याय दिलाने की मांग की। माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा ग्राहकों को अपने शिकंजे में खींचने का मामला सामने आ रहा है। इस कंपनी के कर्मचारी किसी भी समय महिलाओं के घर में पहुंच जाते हैं और पैसों की मांग करते हैं। पैसा नहीं देने पर उन्हें धमकाने और मारने तक की बात करते हैं। इससे महिला एजेंट्स परेशान हैं। इसलिए महिलाओं ने इन कंपनी के गुंडों से छुटकारा दिलाने की मांग करते हुए एक दिन का धरना आंदोलन किया। माइक्रो फायनान्स चुकीच्या कर्ज वसुली पद्धतीचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो। आधुनिक सावकारीमुळे सर्वसामान्य राबणाऱ्या कष्टकरी महिलांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे। या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाची पूर्णपणे पायमल्ली केलेली आहे। रिझर्व्ह बँकेनं या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या चुकीच्या कर्ज वसुली पद्धतीच्या विरोधामध्ये शंका व्यक्त केलेली आहे। या संदर्भामध्ये शासनानं एक चौकशी समिती नियुक्त केलेली आहे। हे सगळ्या चौकशा सुरू असताना सुद्धा सर्वसामान्य गरीब महिलांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन रात्री अपरात्री मायक्रो फायनान्सचे वसुली अधिकारी आमच्या महिलांच्या घरी जातात, आरवाचे शिवीगाळ करतात, प्रसंगी मारहाण करतात। यामुळे काही महिलांना आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे। न्यायालयासमोर टप्प्याटप्प्याने धरणे आंदोलन होणार आहे, याची सुरुवात आजपासून झालेली आहे। अंजनलक्ष्मी आणि ऐसो हप्ते नाही भरे करतो मी, सब सामान दि जात करतो, ऐसा वाचा कारवाई करतो करतो आणि ऐसो नाही सुने तो ऐसा 7:30 बजे 8-8 बजे आ रही रात आणि ऐसो देखो का लगे नहीं भरे फिर आगे कारवाई होगी, तुम्हार जुरुमर को उठा लीजेंगे, ऐसा सब बोल रहे हैं। आणि ऐसो 8 का 3 9 का 3 सारखा आ रही दो तीन वक्त पैसा चाहिए आणि ऐसो नहीं सुनी कोर्ट में हमें फिर हमें हमना जो समझते थे हमें करते कर को नहीं कही सामान भर ली जाती होते ही कोर्ट में बुलाई थी हमें कहीं नहीं वहाँ क्या होता है हमें करती थी तुम्हारे कर को मैं नहीं कही ऐसा।